हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर से एएससी स्टार्टर में स्वागत है डियर, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका भी स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बता दूं, जो अभी तक पुराने पेपर हैं उनके आंसर की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाकर। और अब आपका साइंस का पेपर है, ठीक है? तो साइंस का पेपर में आपके जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और आपका 13 आ रहा है। जो फर्स्ट है वो आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, सेकंड जो है वो जैसे फर्स्ट वाला प्लांट वाले है ना, प्लांट, और सेकंड वाला एनिमल वाला है, और जो 13 आपका है वो है आपका मोशन एंड टाइम, मतलब गति और समय। तो ये तीन चैप्टर में आपका ये पेपर तैयार होगा, 60 मार्क्स का आएगा। तो मैं इसमें सॉल्यूशन के साथ आपके डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो में पार्ट्स में लाऊंगा, जब इकट्ठी हो जाएगी फिर एक साथ जोड़ के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो आप मन लगा के पढ़िए। सबसे पहले एक बात आपको बोलूँगा, चैप्टर्स को बहुत डीपली पढ़ना, केवल सैम्पल पेपर पर डिपेंड मत रहना। मैंने आपको इंग्लिश में बहुत कुछ करवाया था, एक्स्ट्रा करवाया था, उसका फ़ायदा आपको मिला होगा जो बच्चे पुराना वीडियो से जुड़े हुए हैं, पुराने देख रहे हैं। चलो अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपका पेपर तीन पार्ट में डिवाइड होगा, ए बी सी। ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है बच्चों, या उसमें वन वर्ड में आपको आंसर देना है, या वन सेंटेंस लिखना है खाली, ठीक है? सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर है, और सेक्शन सी में वो आपकी कंपिटेंसी बेस्ड है, मतलब पैसेज आएगी उसके बेस पर आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ कैसा है, प्रैक्टिस पेपर, ठीक है? ऐसा ही पेपर का डिजाइन आपका आएगा, और आपको अच्छे से करना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। आप देख सकते हैं सेक्शन सी है, ये पैसेज से रिलेटेड है, लेकिन जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा वही अच्छे से दे पाएगा। सुन रहे ना मेरी बात? तो आप 12वां 13वां क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं, ठीक है? उसके 14 क्वेश्चन देख सकते हैं, 15 देख सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पिक्चर ग्राफ इस तरीके के हैं, और ये वही बच्चा कर सकता है जिसने अच्छे से ना चैप्टर को रीड आउट किया हुआ है। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैप्टर को 3-4 बार मन लगा के पढ़िए, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वहाँ आप वीडियो को सुन सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे पहला जो सेक्शन ए है उसमें आपके जो पहला क्वेश्चन है ना, आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा गया। आप जल्दी से बताइए, पहला है, केवल पूरी तरह से हरी हरी पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन का संश्लेषण कर सकती है, बताओ ट्रू या फॉल्स है? ये कह रहा है, ओनली फुल्ली ग्रीन लीव्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर प्लांट्स, बताओ ट्रू है फॉल्स है? मतलब ये कह रहा है कि केवल जो हरी पत्तियां होती है ना, वही जो है भोजन जो है वो संश्लेषित कर सकती हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, आपने कभी सोचा कि अगर कोई पेड़ है और उसकी कोई भी पत्ती नहीं बचती फिर भी उसके बाद में पत्तियां आ नहीं जाती, तो मतलब भोजन तो कोई और बन रहा है ना? तो ऐसे ही स्टेम के अंदर अलग अलग जगह मौजूद होती है जहां पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये वाला असत्य है, ठीक है? ये सत्य जो है नहीं है। क्लियर हो गया? पहला वाला क्या? फॉल्स। पहला वाला क्या आपका? फॉल्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, गाय द्वारा सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता। ये कह रहा है गाय है ना, गाय वो सेलुलोज से जो है डाइजेस्ट नहीं करती, सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय काउ। तो डियर स्टूडेंट, ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो गाय होती है वो सेलुलोज से ही डाइजेस्ट करती है, तो ये भी फॉल्स है, ट्रू नहीं है। एग्जाम में आप फॉल्स लिख कर आएंगे, या हिंदी में आप असत्य लिख के आएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? ये भी क्या है? असत्य है, ठीक है? दूसरा वाला भी क्या है? असत्य है, ठीक है? समझ में आ गया आपको? फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, अमीबा में मितपोषी पोषण होता है, मतलब अमीबा जो है ना वो सैप्रोट्रॉफिक है। सैप्रोट्रॉफिक मतलब जो होता है मरे हुए को खाते हैं, तो अमीबा ऐसा नहीं करता, ये भी फॉल्स है। देखो ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, ठीक है? ये भी क्या था? फॉल्स, मतलब आ सकता है, ये भी फॉल्स था और ये भी क्या? फॉल्स है। फिर कह रहा है कि द बाइल इज स्टोर्ड इन स्टमक, ये कह रहा है जो बाइल है ना वो स्टमक में स्टोर होता है, गलत
वो गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है, पित्ताशय में होता है। तो यहाँ पे अमाशय बोलती है, गलत है, तो ये भी फॉल्स है बच्चों, सुन लो, चार के चारों ही फॉल्स है। नेक्स्ट है मीरा गो राउंड झूला, आवर्त गति का एक उदाहरण है। तो कह रहे जो मीरा गो राउंड का झूला झूलती है ना, वो पीरियोडिक मोशन है। कौन सा मोशन कह रहे हैं यहाँ पर? पीरियोडिक मोशन। बच्चों ये है आपकी, बच्चों ये आवर्ती गति नहीं होती है, ये होती है वर्तुल गति। कौन सी गति होती है? क्योंकि मैरी गो राउंड में सर्कुलर मोशन है, गोल गोल घूम रहा, तो ये भी असत्य है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक पांचों के पांचों क्या है? असत्य है, मतलब फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है भोजन के डैश घटक के पाचन के बाद एमिनो एसिड बनते हैं। मतलब एमिनो एसिड कब बनता है? कौन सी चीज पच जाती है जब एमिनो एसिड बनता है? तो बच्चों वो है प्रोटीन। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन, ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है ना, जब वो पच जाता है तो एमिनो एसिड में बदल जाता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग होती है इंग्लिश में PROTEIN, ठीक है, EIN होता है, ठीक है, याद रखना आप। समझ में आ गया? ये मैंने आपको आंसर बता दिया छठे का। अब सातवें पर आ जाइए, अगर भोजन के डैश घटकों का डैश पदार्थ में टूटना पाचन होता है। तो देखो भोजन जो है ना, पहले जटिल होता है, फिर उसके बाद वो सरल में बदल जाता है, तो यहां पर आपका आएगा जटिल। और जटिल से वो किसमें बदल जाता है? फिर सरल में बदल जाता है, ठीक है। इंग्लिश में पहले कॉम्प्लेक्स होता है और फिर उसके बाद वो सिंपल में बदल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जटिल से सरल, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, ठीक है। ये कह रहे किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? देखो अगर हम किसी इकाई समय में कोई दूरी तय करते हैं तो उसे बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड। क्या बोलेंगे? SPEED, स्पीड, ठीक है। ये लिखा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब दूरी के मापन की ऐसी इकाई क्या, मतलब दूरी को किसमें मापते हैं? तो इसका आंसर है आपका बच्चों मीटर। मीटर इंग्लिश में METER, मीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यदि सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है तो वह कितने मीटर चलेगा? तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 1000 से, तो 12000 मीटर आ गया, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे आप ये, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा था इस वाले का, तो हमने बता दिया मीटर, और इसका ऑप्शन तो दे नहीं रखा था, इसका तो हमें आंसर लिखना ही पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। ऐसा यूनिट मैं बता रहा था ना डिस्टेंस की, तो वो तो मीटर हो गई, ठीक है। इंग्लिश में सुन लो, ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इज मीटर। और ये कह रहा है अगर सोनू जो है वो 12 किलोमीटर जो है ट्रैवल करता है एक दिन में, तो हाउ मेनी मीटर्स ही ट्रैवल ऑन दैट डे, तो उस दिन कितना चलेगा वो, ठीक है। तो वो मीटर में निकालना है, तो 12 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12000 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है 10th क्वेश्चन। ये कह रहा 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलिए, तो इसको कैसे बदलोगे आप? देखो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है आपको, तो आप 60 लिखोगे, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 लिखेंगे, ठीक है। ऐसी कॉपी में करना है, ये आवर लिखा है ना, तो 2 बार आप 60 लिख देंगे, समझ रहे हो? आवर को सेकंड में बदलने के लिए 2 बार 60 लिखेंगे, क्योंकि ये बटे हैं, ये जो लाइन है ना अपोन में होते, तो अपोन में लिखेंगे, तो ऊपर से नीचे काट दिया 60 60, तो क्या बचा? 1000/60 बचा, 0 से 0 कट गई, कट गई। अब किसके टेबल में दोनों आते हैं? 2 के टेबल में, 2 3 6, 2 5 10, तो आंसर आ गया 50/3। उसके बाद लिख देंगे मीटर पर सेकंड, क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकंड। दोबारा लिख देना यहाँ पर 50/3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? ये आंसर आ गया।
तो मैंने आपको 10वें का आंसर बता दिया, ठीक है। अब 11वां देखो, ये कह रहा है पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो उसके भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है। मतलब पौधे का वो कौन सा पार्ट है, इंग्लिश में सुन लो, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट दैट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसाइज ऑफ देयर फूड। मतलब वो कौन सा पार्ट है जो भोजन बनाने में भूमिका निभाता है। तो यहां पर आप लिख देंगे पत्ती, ठीक है, और उसके ब्रैकेट में लिख देना क्लोरोफिल, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे आप, इंग्लिश में आप लिख देंगे लीफ, ब्रैकेट में लिख देना क्लोरोफिल, CHLO क्लो RO क्लोरो PHYLL, ठीक है। हाँ वेरी गुड, जिन बच्चों ने अपने बताया शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये कह रहे इस कसकटा प्लांट एंड ऑटोट्रॉप, आपको बताना क्या ये ऑटोट्रॉप होता है, मतलब क्या अमरबेल का पौधा एक स्वपोषी है। आप बोलोगे नहीं, ठीक है, नहीं लिख देना, नहीं, फिर लिख देना क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं होता। नहीं होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या लिखोगे, नो सिंस या बिकॉज भी लिख सकते हैं आप, इट हैज नो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, CHLO RO PH YLL, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, दिन के समय पौधे द्वारा कौन सी गैस वातावरण से ग्रहण की जाती है। इंग्लिश में विच गैस इज टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम द एटमोसफेयर ड्यूरिंग डे टाइम। तो इसका आंसर है बच्चों CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा पूरा भी लिख सकते हो आप CO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इंग्लिश में CARBON, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है, अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो कह रहे हैं कि डू ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, कि क्या सभी पौधे जो है नेचर में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं क्या मतलब स्वपोषी होते हैं, क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, कारण दीजिए। इसका आंसर देखिए डी स्टूडेंट, आप लिखेंगे नहीं, सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं क्योंकि कुछ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, जैसे अमरबेल घन घट पड़ने ये कीड़े को खाता ना पौधा, है ना। आगे सुनो, इंग्लिश में आप लिखेंगे नो ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, बिकॉज सम प्लांट्स डू नॉट मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस लाइक कसकटा पिचर प्लांट एक्सेट्रा, ठीक है। डी स्टूडेंट समझ में आ गया, क्या मैंने अभी आपको ऑटोट्रॉफ दिखाया, आप ऑटोट्रॉफिक भी लिख सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको सेक्शन ए करवा दिया, सेक्शन बी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आपके पास में आऊंगा वीडियो लेकर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।